दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। दोपहर करीब 12 बजे यहां अचानक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से मीडिया को यहां स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश भेजा गया। दावा किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा किया जाएगा। चंद मिनटों में ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीडिया का जमावड़ा लग गया। करीब 1:30 बजते प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो सब चौंक गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं थे बल्कि दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी मंच पर मौजूद थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, अहमद पटेल, आरजेडी के मनोज झा के साथ शरद यादव भी एक साथ मौजूद थे। एक साथ एक मंच पर विपक्षी दलों के नेताओं को देख ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ये एक ऐसा खुलासा है जो कोई भी आम जन है उसे चौंकना रह जाएगा कि ये हुआ कैसे, हमारे पैसे आपके पास कैसे पहुंचे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस समेत विपक्ष खुद ही हो गया हेट विकेट। सबसे पहले आप देखिए नोटबंदी पर विपक्ष की साझा पीसी में क्या क्या दावे किए गए। कैसे शब्दों की मर्यादा को भूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया। चोर कौन है और चौकीदार कौन है, ये देश के सामने सवाल उठता है ना। अब देश को तय करना पड़ेगा कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है और देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। यह फैसला करना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को, गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। कि जनता का पैसा आप अपनी जेब में डाल लो, उनको लाइन में खड़ा कर दो, उनका सच्ची कमाई का पैसा आप फ्रीज कर दो, उनको खर्च नहीं करने दो और आप 40-40% खा जाओ। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सिर्फ बयानों के तीर ही नहीं दागे बल्कि विपक्ष की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो टेप भी जारी किया गया। 31 मिनट के इस वीडियो टेप के आधार पर आरोप लगाया गया कि नोटबंदी के दौरान कथित बीजेपी नेता ने कमीशन लेकर नोट बदले। लेकिन 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने 50 साल से ज्यादा देश पर राज किया, उससे जब इस वीडियो टेप की प्रामाणिकता पर सवाल पूछे गए तो देखिए कपिल सिब्बल साहब कैसे अपनी ही बिछाई बिसात पर सवालों के चक्रव्यूह में फंस गए। इसमें ऑथेंटिक, देखिए इसमें ऑथेंटिसिटी की क्या बात है, आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, अब हम क्या ऑथेंटिसिटी करेंगे इसकी। एक ट्रांजैक्शन है, ये पैसे कैसे हुए, दिसंबर 31 के बाद कैसे किसके पास पहुंचे, ठीक है ना। या तो एक थिएटर है या सच्चाई है। कपिल सिब्बल साहब देश के बड़े वकील हैं, बड़े बड़े मुकदमों में वो पैरवी कर चुके हैं, देश के कानून मंत्री के पद पर भी वो रहे हैं। अब भला उन्हें भी ये समझाना पड़ेगा कि बिना वीडियो की प्रामाणिकता के वो किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हद तो ये है कि जिस वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेस और विपक्ष के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, उस वीडियो को खुद इन्होंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। देखिए ऐसा है कि हमें तो मालूम नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, हमने तो डाउनलोड किया है। एक वेबसाइट है वहां से मिला। कांग्रेस मुख्यालय में लंबा चौड़ा मंच सजाकर और देश भर की मीडिया को बुलाकर कांग्रेस और विपक्ष के नेता जिस वीडियो को दिखाकर सीना चौड़ा कर रहे हैं, जब उनसे इस वीडियो की जिम्मेदारी लेने का सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे पीछा छुड़ाते नजर आए। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इस वीडियो का मालिक नहीं हूँ, ये वेबसाइट पर है, कोई भी इसे देख सकता है। आपने बातचीत देखी है, जो बोल रहा है उसे आपने देखा है, आपने भाषा देखी है, आपने नोट देखे हैं। नोटबंदी पर कांग्रेस और विपक्ष का बड़ा खुलासा कुछ वैसा ही नजर आया जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा।
कथित स्टिंग ऑपरेशन को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोलने निकले कांग्रेस और विपक्ष के नेता थोड़ी ही देर में बैकफुट पर आ गए। ठीक है यार, आप मत मानो, मैंने तो आपको एक चीज दिखा दी, आप मत मानो तो जनता को हम दिखाएंगे। आप विश्वास नहीं करते मत करिए, आप करिए, जांच करिए, आप खुद करिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वेबसाइट से मिला, मैंने वेबसाइट दे दी मैंने आपको, देख लीजिए आप। ये तर्क उस पार्टी के बड़े नेता के हैं जिसने देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया। ये तर्क उस पार्टी के नेता के हैं जिसका इतिहास 134 साल पुराना है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कपिल सिब्बल ने अंधेरे में तीर दागा हो। महज 2 महीने पहले कपिल सिब्बल लंदन में आयोजित उस सम्मेलन में भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस सम्मेलन में बिना किसी सबूत के ईवीएम हैक करने का दावा किया गया था, लेकिन सम्मेलन में मौजूद कपिल सिब्बल ने हैकर से तो कोई सवाल नहीं पूछे, उल्टे हैकर के दावे के आधार पर ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि मामला गरमाया तो कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा और कपिल सिब्बल साहब को सफाई देनी पड़ी। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर इन्विटेशन, मैं तो आशीष रे को जानता हूं और मेरा कोई व्यक्तिगत काम भी था वहां, तो मैं गया था, तो मैंने अटेंड किया। तो उसमें कोई आपको आपत्ति है कि मैं वहां क्यों गया? मैं वहां था, मैं चले गया। But he publicly said that you have come on, I'm happy that Mr. Sibal has come on behalf of the Congress. No, he has not said that. He's clarified it. No, it's not. He has said that, look, I sent invitations to including the Congress. And I'm happy that Sibal is here. Not that I am here on behalf of the Congress. ऐसा नहीं है कि अपने बयानों से पार्टी की फजीहत कराने वाले कपिल सिब्बल कांग्रेस के अकेले नेता हैं। इस कतार में सिब्बल के कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी खड़े हैं। चुनावी मौसम में मनीष तिवारी को अब सेना में भी सियासत नजर आने लगी है। महज एक दिन पहले वायुसेना चीफ बीएस धनोहा ने फ्रांस से खरीदे जा रहे राफेल विमान पर एक बयान दिया था। वायुसेना चीफ ने बताया था कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर होगी। When the Rafale comes in, it will ensure that our deterrence of our air defense will increase many fold and they will not come anywhere near our line of control or the border with that kind of a capability that we will possess. For which presently they don't have an answer. पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वाले वायुसेना चीफ के इस बयान से जहां आम हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया, तो कांग्रेस के मनीष तिवारी को ये बयान जैसे रास ही नहीं आया। मनीष तिवारी वायुसेना चीफ के बयान में भी चुनावी नफा नुकसान ढूंढने लगे। मनीष तिवारी ने सीधे सीधे वायुसेना चीफ पर पीएम मोदी की भाषा बोलने का आरोप जड़ दिया। एयर चीफ मार्शल जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, एयर मार्शल धनोआ, उनकी तरफ से जो बयान आया है कि अगर राफेल जहाज़ भारत के पास होता तो पाकिस्तानी वायुसेना एलओसी के 25 किलोमीटर के दायरे में भी ना आ पाती, इस बयान को अगर उस बयान से जोड़ के देखा जाए जो प्रधानमंत्री ने कुछ हफ्ते पहले दिया था कि अगर राफेल जहाज़ भारत के पास होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, तो इन दोनों बयानों का मतलब क्या है? सेना के अफसरों को नसीहत देने वाले मनीष तिवारी वही नेता हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं। मनीष तिवारी उन नेताओं की कतार में भी काफी आगे हैं जिन्होंने उरी हमले के बाद सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल चुनावों के इस मौसम में कांग्रेस नेता सबूत मांगने में तो हर बार आगे रहते हैं, लेकिन जब बात सबूत देने की आती है तो फिर खुद ही हो जाते हैं हिट विकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।